वाह गोटिया वाह, क्या खुशखबरी लाया है। डीआईजी रुद्र प्रताप का बेटा पुलिस के फंदे में। बाप ईमानदारी की मौत मर गया, अब बेटा कानून की मौत मरेगा। गोटिया आप देखना, मैं इस चश्मदीद गवाह को ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी आंखें मुझे पहचानने से पहले ही बंद हो जाएगी। तुम उस डॉक्टर को खरीद लो और रिपोर्ट तैयार करवाओ जो मैं चाहता हूं। यह समय सोचने का नहीं है बेटी, यह हम दोनों की जिंदगी और मौत का सवाल है। पिताजी, पुलिस पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगी, किसका नाम लूंगी? पुलिस को तुम ये बताना कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है। हाँ बेटी, बलात्कार। प्रलयनाथ की प्रलय से बचने का ये एक ही तरीका है। तुम उन्हीं तीन लड़कों का नाम पुलिस को बता देना जिन्होंने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया है। पिताजी, लगता है पापियों के साथ रहकर आपका दिमाग भी उन्हीं की तरह हो गया है। आप ये कह रहे हैं मैं उन लड़कों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दूं जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाई? नहीं पिताजी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। बेटी, इतिहास गवाह है, आदमी ने अपनी जान को बचाने के लिए अपने ही भाइयों की लाशों को कुचला है, ये दुनिया का नियम है बेटी। फिर वो तीनों हमारे लगते भी क्या हैं? अगर उन्हें फांसी लग भी गई तो हमारा क्या जाएगा? बेटी, उन लोगों की जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती हमारी जिंदगी है। पुलिस को वही बताना जो मैंने तुम्हें कहा है। मगर गुप्ता जी, किसी के सपने पूरे करने के लिए किसी के अरमानों का गला तो नहीं घोटना चाहिए, ये पाप है। राधा तो प्रेग्नेंट है और आपने पैसे के लिए उसके बलात्कार की गलत रिपोर्ट तैयार कर दी। तुम मेरे सीनियर हो या मैं तुम्हारा सीनियर, पेशे का सबक मुझे मत सिखाओ, समझे? सीनियर और जूनियर का मतलब ये तो नहीं सर कि आप कुछ भी करें और मैं चुपचाप देखता रहूं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपकी गलत रिपोर्ट पर हरगिज साइन नहीं करूंगा जो उन तीन निर्दोषों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दे। डॉक्टर सिन्हा, आज से 5 साल पहले डॉक्टर श्रीवास्तव ने इसी तरह की एक गलत रिपोर्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया था। गुंडा स्वामी के आदमियों ने उसे छठी मंजिल से नीचे फेंक दिया और पुलिस ने उसकी मौत को आत्महत्या समझकर उसकी फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। अगर तुम भी उसी राह पर चलना चाहते हो तो एज यू विश। इंस्पेक्टर साहब, मैं कहती हूँ ये कहाँ का न्याय है, कैसा कानून है जो तीन मासूमों को सोचे समझे बिना हवालात में बंद कर दिया? मैं पूछती हूँ क्या हो गया है इस देश के कानून को? अगर पुलिस वाले इस तरह पुलिस स्टेशन में सोते रहे तो निर्दोष लोग जेल में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उठो! कौन तुम? नींद की गोली खाकर सोया है या गांजे की? दिखता नहीं क्या? लड़की हूँ मैं, आलोक की बहन, जिसे तुम्हारे कोई बहादुर इंस्पेक्टर ने बलात्कार के जुर्म में पकड़ा है। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सलाम साहब। साहब? अच्छा, तो आप ही है वो साहब। मैं पूछती हूँ तुम पुलिस वालों को हुआ क्या है जो गुनहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनहगार समझ लेते हैं? सुना था कानून अंधा होता है, मगर तुम्हें तो भगवान ने एक नहीं दो दो आंखें दी हैं और वो भी चील की तरह मोटी मोटी। क्या वो तीनों तुमको किसी भी तरह से बदमाश लगते हैं? अरे मेरा भाई आलोक, वो तो किसी लड़की से बात करते हुए भी कांपता है, वो किसी पे बलात्कार क्या करेगा खाक? वागले बेटे, ये तो लाल मिर्च है तीखी तीखी। हाथ लगाओ तो हाथ चले, मुंह लगाओ तो मुंह चले, दिल लगाओ तो दिल चले, ये तेरी बीवी बनने के लायक है। अरे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो, पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन तेरे जैसे तीखी पहली बार देखी। क्या तीखी, क्या नाम है तुम्हारा? शांति 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 शांति। वाह, क्या कमाल का नाम रखा है चुन के माँ बाप ने, शांति, जो इस देवी के चेहरे और जुबान से शहद की तरह टपक रही है। हंस क्या रहे हो दांत निकाल कर, मुझे अपने भाइयों से मिलना है। हवलदार, मिलने दो इसे। साहब, उन तीनों को अस्पताल ले गए शिनाख्त के लिए। संजय चौहान, आलोक वर्मा और अली खान, यही वो तीन लड़के हैं जो आपको अस्पताल में छोड़कर भाग गए थे। क्या इन्होंने आपके साथ बलात्कार किया? Thank you.
ये सरासर झूठ है। हमने कोई बलात्कार नहीं किया। सच कह रहा है मेरा बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठी है, झूठी है ये। तुम लड़की नहीं, लड़के के नाम पर एक कलंक हो। अरे जरा इन मासूम चेहरों को देखो, जिन पर तुमने मौत की स्याही पोत दी है। इनकी सहमी हुई आंखों को देखो, जिनमें तुमने मौत की दहशत भर दी है। और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या इन्होंने तुम्हारे साथ बलात्कार किया था? इंस्पेक्टर, कौन है ये औरत? इसे बाहर ले जाओ। हवलदार, पकड़ लो इसको। खबरदार, अगर किसी ने भाभी को हाथ लगाया तो। इंस्पेक्टर फादले, आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान की पत्नी है। याद है डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान, जिनके अंतिम संस्कार पर आपने लंबा चौड़ा भाषण जार दिया था, जो आज भी हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आदर्श है, उनकी पत्नी है। तो ये भी किसी मामूली आदमी की बेटी नहीं है, ये इस राज्य के मंत्री जीवन लाल टंडेल की बेटी है। और जानते हो इन तीनों ने इसके साथ क्या नर्क किया है? कुछ नहीं किया, ये किसी की साजिश है जिसमें इन तीनों को फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं भी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगा। हरिप्रसाद स्पीकिंग। जज साहब, मैं प्रलयनाथ गुंडा स्वामी बोल रहा हूं। योर ऑनर, डांसर मिस अनीता चौधरी की लाश का समुद्र के उसी किनारे से मिलना और उसी जगह से राधा टंडेल के कपड़े और सैंडलों का मिलना, इंस्पेक्टर वागले को मिली हुई गोली और अनीता चौधरी के पेट से निकली हुई गोलियों का एक ही रिवॉल्वर से चला होना और उस रिवॉल्वर पर किसी और की उंगलियों के निशान होना, यह साबित करता है कि इस केस में किसी और का भी हाथ हो सकता है। इसलिए जब तक ये बातें खुलकर अदालत के सामने नहीं आती, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन तीनों की जमानत मंजूर कर ली जाए। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि इस केस में किसी और का हाथ भी हो सकता है। लेकिन ये बात कहते हुए मेरे फाजिल दोस्त भूल गए कि अनिता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स भी मिला है। योर ऑनर, मिस राधा टंडेल, जिनके साथ बलात्कार हुआ, उन्होंने अस्पताल में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने इन तीनों की शनाख्त की है। योर ऑनर, इसके अलावा डॉक्टर गुप्ता की रिपोर्ट मौजूद है। इन तमाम बातों से जाहिर है योर ऑनर कि रेप और मर्डर इन्हीं तीनों ने एक साथ मिलकर किया है। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इनकी जमानत किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जाए। सरकारी वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत संजय चौहान, आलोक वर्मा और अली खान की जमानत नामंजूर करती है और इन्हें पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म देती है। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले, इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अनगिनत केसेस भी आए होंगे। क्या उन अनगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कत्ल और बलात्कार करने वाले ने जिसके ऊपर बलात्कार किया है उसे खुद अस्पताल पहुंचाया हो? ये तो अभी तक सुना नहीं कभी। सही कह रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ऑर्डर, ऑर्डर। इंस्पेक्टर वागले, मुझसे सवाल करने की बजाय आप इस केस में रोशनी डालिए। वही कोशिश कर रहा हूं सर। अदालत सरकारी वकील की जिन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंजूर कर रही है, मैं उन्हीं दलीलों के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला
हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। यह फैसला आप जबरदस्ती इन पर लाद रहे हो। इंस्पेक्टर भागले, अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? यह कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव आगले नहीं। नहीं यार, इस तरह तो हिम्मत हार के हम बिना फांसी के ही मर जाएंगे। ये क्या हो गया तुम दोनों को यार? अली, सोचता हूं मेरी बहन शांति पर क्या बीत रही होगी। मुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने। लोगों के घर में काम कर करके अपने हाथों पर मेहंदी की जगह छाले डाल लिए उसने। आलोक, तुम्हारी तो वो सिर्फ बहन है, मगर मेरे लिए वो बहन भी है और मां भी है। अगर बचपन से ही उसका प्यार मुझे ना मिला होता तो शायद ही अनाथ सड़कों पर ही अपना दम तोड़ देता। मेरी मां पर भी क्या बीत रही होगी, वो तो रो रो कर पागल हो गई होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका भरोसा भगवान पर से भी उठ जाएगा। तुम इन तीन लड़कों के केस में कहां उलझ गए? हो सकता है इन बच्चों का केस महज इत्तेफाक ही हो। इत्तेफाक नहीं है सर। ये कड़ियां भले ही अलग अलग नजर आ रही हो, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं, जिसमें एक न एक दिन जीवनलाल टंडेल, रसिकनाथ और गुंडा स्वामी की कलाइयां फंसेंगी। ये इत्तेफाक नहीं है सर, इत्तेफाक नहीं है। हेलो सर, मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह पहचानता हूं जेलर। तुम वहां से कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ सुनो, क्योंकि जब से तुम्हारी जेल में सूर्यदेव सिंह आया है तुम्हारी दीवारों के भी कान हो गए हैं। मुझे वागले और उसकी मीटिंग का पता चल चुका है। वो तीन लौंडों के केस की सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचे, उसके पहले उसकी सीढ़ी के हर डंडे को काटकर फेंक दूंगा मैं। सुनो जी, मुन्ना और उसके खतरनाक खूनी साथियों को आज रात को पुलिस की वर्दी में जेल से बाहर निकाल दो और उनको समझा दो। पुलिस स्टेशन जाकर उन तीनों लड़कों का बिल आत्महत्या के नाम पर फाड़ दें। टेलीफोन का वायर काट दो, अब इसे बांध दो। डरो मत, तुम्हारी जमानत हो चुकी है, हम लोग तुम्हें रिहा करने आए हैं।